अपने करियर की बुलंदियों पर कभी अपने पैतृक गांव व अपने पैतृक प्रदेश उत्तराखंड का नाम न लेने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आखिर अपने करियर के अवसान पर ही सही 20 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद अपने पैतृक गांव अल्मोड़ा जनपद के जैती के पास स्थित ग्राम लोहड़ी पहुंच गए हैं। आज दोपहर करीब 11 बजे धोनी अपनी पत्नी साक्षी धोनी व बेटी जीवा के साथ लोहड़ी गांव पहुंचे। यहां गांव पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद धोनी व उनकी पत्नी ने गांव के मंदिरों में, खासकर हरजू के मंदिर में, पूजा अर्चना की। इससे पहले वो नैनीताल जनपद से होते हुए कैंची धाम में बाबा नीम करौरी के दर्शनों के लिए प्रयासरत थे, लेकिन वहाँ काफ़ी भीड़भाड़ होने की वजह से दर्शन नहीं कर पाए और रात्रि बताया जा रहा है कि उन्होंने पास के नाटाडोल के एक होमस्टे में उन्होंने अपनी रात बिताई। बहरहाल गांव पहुंचने पर ग्रामीण काफ़ी उत्साहित थे और उन्होंने धोनी और उनकी पत्नी के साथ फोटो खिंचवाई। उल्लेखनीय है कि धोनी ने कभी उत्तराखंड का अपने करियर में नाम नहीं लिया, यहाँ तक कि उन पर बनी फिल्म में भी उनका उत्तराखंड से कोई जुड़ाव नहीं दिखाया गया और उन्हें पूरी तरह से रांची झारखंड का ही बताया गया था। बहरहाल उनके गांव पहुंचने पर ग्रामीण यह कहते हुए सुने जा रहे थे कि धोनी को आखिर गांव के ग्राम देवता व कुल देवता गांव बुलाने में सफल रहे। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।